शेयर बाजार को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE ने अपने कुछ इंडेक्स में बड़े बदलाव का ऐलान किया है। माना जा रहा है कि इसका असर शेयरों की चाल पर पड़ सकता है। क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। S&P BSE 100 इंडेक्स में बदलाव होने जा रहा है। S&P BSE 100 इंडेक्स में कौन कौन से शेयर शामिल होने वाले हैं, पहले ये हम आपको बता देते हैं। इसमें येस बैंक, TVS मोटर, IDFC फर्स्ट बैंक समेत कुछ शेयर शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा बंधन बैंक, ACC, वोल्टास समेत 6 शेयरों को बाहर किया जा रहा है। जो शेयर S&P BSE के इंडेक्स में शामिल होने वाले हैं उनकी लिस्ट देखी जाए तो इनमें TVS मोटर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, पार फिनेंस कॉर्प, येस बैंक, APL, अपोलो ट्यूब्स, परसिस्टेंट सिस्टम्स और IDFC फर्स्ट बैंक इनमें शामिल है। जिन कंपनियों को इंडेक्स से बाहर किया जा रहा है उनके लिस्ट में टाटा, एलेक्सी, अडानी पार, वोल्टास, बंधन बैंक, MFC, क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स और ACC शामिल है। 17 नवंबर को S&P डाउ जोन्स और BSE की पार्टनरशिप में एशिया इंडेक्स प्राइवेट ने इसका ऐलान किया था। इसके तहत S&P BSE 100 और S&P BSE सेंसेक्स 50 और S&P BSE सेंसेक्स नेट 50 के ढांचे में बदलाव किया जाएगा। ये बदलाव 18 दिसंबर से प्रभावी होंगे। इसके अलावा BSE सेंसेक्स 50 और सेंसेक्स नेक्स्ट 50 में क्या बदलाव हो रहा है ये भी हम आपको बता देते हैं। तो BSE सेंसेक्स 50 में UPL और डाबर इंडिया की जगह LT, Mindtree और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को शामिल किया जाएगा। जबकि S&P BSE सेंसेक्स नेक्स्ट 50 इंडेक्स की बात करें तो इसमें TVS मोटर कंपनी, पार फाइनेंस कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, परसिस्टेंस सिस्टम्स, डाबर इंडिया, APL, पोलो ट्यूब्स, IDFC फर्स्ट बैंक, येस बैंक और UPL को शामिल किया जाएगा। जबकि वोल्टास, टाटा एलेक्सी, क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स, बंधन बैंक, ACC, एम्फेसिस, LT, Mindtree, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और अडानी पार को बाहर किया जाएगा। जानकारों के मुताबिक इस बदलाव का असर खासकर इन कंपनियों के शेयरों में देखने को मिलेगा, इसलिए शेयर बाजार में पैसे लगाने वालों को इस बीच मार्केट की चाल पर खास नजर रखनी चाहिए। बाकी आने वाले दिनों में इसका कितना असर पड़ता है ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।